देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का असर लगातार कम हो रहा है और पॉजिटिविटी रेट भी नीचे जा रहा है। देश भर में एक दिन में 1,26,000 नए केस आए हैं। इससे पहले मई महीना भारत के लिए काफी खतरनाक साबित हुआ। एक तरफ नए केस कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ वायरस से होने वाली मौत का आंकड़ा भी लगातार कम हो रहा है, जिससे वायरस की बेकाबू रफ्तार पर अब ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। जहां नए केस कम आ रहे हैं वहीं ठीक होने वालों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि कोरोना की वजह से हर दिन होने वाली मौत की संख्या में भी कमी आ रही है। वहीं देश में अब तक 21.31 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, जिसमें 4.45 करोड़ से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। देश के कई राज्यों में कोरोना की वजह से हालात अब काफी ठीक हो रहे हैं। सबसे ज्यादा सुधार महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली जैसे राज्यों में है। पहले जहां इन राज्यों में हजारों में कोरोना के केस सामने आ रहे थे, वो अब काफी तेजी से कम होते रहे हैं। जैसे जैसे कोरोना के नए केस कम हो रहे हैं, वैसे वैसे कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। आज से लोगों को यूपी के कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू से राहत मिलेगी। पिछले कुछ दिनों में यूपी में कोरोना के नए केस लगातार कम हो रहे हैं, जिसके बाद अब कई जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जानकारी के मुताबिक आज से यूपी के 6 जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बिजनौर, देवरिया, मुरादाबाद समेत 6 जिलों में लोगों को कोरोना कर्फ्यू से राहत मिलेगी। जिन जिलों में 600 से ज्यादा कोरोना के केसेज हैं, वहाँ अभी भी लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले रविवार को सरकार ने राज्य के 75 जिलों में से 55 जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की थी और आज से यानी सोमवार से राज्य के 6 और जिले खुल रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आज से मंदिरों के द्वार भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। आज से अयोध्या के मंदिर खुल गए हैं और मंदिर में प्रवेश के लिए सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। साथ ही बाहरी श्रद्धालुओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के सहारे ही मंदिर में प्रवेश मिलेगा। आज से विश्व प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। बताया गया है कि कोविड काल को देखते हुए मंदिर में दर्शन के समय में भी बदलाव किया गया है। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। कोरोना से जुड़ी हर बड़ी अपडेट और देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।